ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं और मैं हूं राजेंद्र स्वामी। दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका, इस इलाके से आप परिचित होंगे। जी हां, ये वही इलाका है जहां अब से लगभग एक महीना पहले, डेढ़ महीना पहले आग लगने की घटना हुई थी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। 300 छात्र थे उसमें और किस तरह से वो जान बचा के भाग रहे थे, इस नज़ारे को सब ने देखा। कोई ऊपर से कूद रहा था, कोई रस्सी के सहारे लटक रहा था। लेकिन ये जो इलाका है ये एक और कारण से मशहूर है। ये दिल्ली ही नहीं पूरे देश में कोचिंग संस्थानों का गढ़ कहा जाता है, ये घर कहा जाता है। लेकिन अब इस गढ़ में या इस घर में ग्रहण लग रहा है। वजह, हाईकोर्ट ने इस पर जो तमाम जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इस इलाके में उनको सील करने के आदेश दिए हैं। सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसकी चर्चा पूरे देश भर में है तमाम, क्योंकि इतनी तादाद में यहाँ देश और दुनिया से लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, यहाँ कोचिंग करने के लिए आते हैं। IAS, IPS तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका ये गढ़ है जहां से बड़े बड़े अफसर अधिकारी निकल के आते हैं। लेकिन बावजूद भी यहां पर जितनी तादाद में इलीगल तरीके से ये चल रहे हैं इंस्टीट्यूट, उस पर किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी? और अब जब पड़ी है तो कई और भी तकनीकी पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं। बेशक आदेश के बाद इसको सील करने के आदेश दे दिए गए हों कोचिंग को, तो इन सब पर हम बात करने के लिए हमारे साथ यश अग्रवाल मौजूद हैं, जाने माने एडवोकेट हैं, इनसे हम बात करेंगे। अग्रवाल जी, सबसे पहले तो बताइए कि इलीगल क्यों है वो सब के सब, क्या लीगल हो सकते हैं? सर, इलीगल वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास फायर NOC नहीं है। अब दिल्ली के बायलॉज के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वैसे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं डिफाइंड ही नहीं है, अगर उसमें डाले कोचिंग इंस्टीट्यूट को उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डाल दिया। एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए आपके स्कूल कॉलेजेस, तो उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को उनका दर्जा दे दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको फायर NOC तभी मिल सकता है जब आपके साइड से, दोनों साइड से एंट्री हो। दोनों, इसका मतलब है अगर दो साइड से आपके फायर ट्रक जा सकते हैं और दो साइड से अगर एग्जिट नहीं हो सकता तो आपको फायर NOC नहीं मिल सकता। तो हो नहीं सकता वहाँ पर, जिस तरह का इलाका है वो। दिल्ली में 95% इंस्टीट्यूटों के पास डबल साइडेड एंट्री नहीं है, दो साइड गलियाँ नहीं है, तो NOC तो मिलेगा ही नहीं। मुखर्जी नगर में इतने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ तो आप गाड़ी भी लेके नहीं जा सकते, तो फायर इंस्टीट्यूट तो बहुत दूर की बात है। तो अगर दिल्ली, अगर MCD इस चीज़ पे आए तो ये जितने इंस्टीट्यूट हैं, 900,000 के आसपास जितने इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, उन सबको सील कर सकती है। अब इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, अगर आप लगाओ, अगर पूरा मुखर्जी नगर में अगर ऐसे सीलिंग शुरू हो गई तो सिर्फ छोटे नहीं बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ भी यही होगा। अगर आप हर इंस्टीट्यूट में लगाओ, अगर सिर्फ 5 लोग भी एम्प्लॉयड है तो 1,000 के हिसाब से आपके 50,000 लोग तो ऐसे अनएम्प्लॉयड हो गए। अब उनके साथ अगर उनके 3 घर वाले भी हैं तो आप ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो। अब दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से सिर्फ दिल्ली के बच्चे नहीं पढ़ते। मुखर्जी नगर में अगर आप देखोगे तो जितने PGs हैं 90% बच्चे आके बाहर से पढ़ते हैं। अब उन इसके वजह से जितने बाहर से बच्चे आ रहे हैं उन सब की उम्मीदें छीनी जा रही हैं। अब दिक्कत यह है कि इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, बिकॉज हमने देखा कि 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आग लगी थी अभी 1.5 महीने पहले और 300 बच्चे पढ़ रहे थे जिनकी जान पे बनाई थी। पर इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम उन्हें सील कर दें, हमें कोई नए लॉज लगाने पड़ेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है, ताकि उन इंस्टीट्यूट्स को हम अभी भी कंटिन्यू कर सकें सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए। लेकिन इस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता ना किसी का, जैसे कि आपने बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया और फायर को तो पता ही नहीं है इसका, तो ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? किस तरह की घटनाएँ होती हैं और कभी इस पर विचार नहीं किया, कभी अमेंडमेंट करने की कोशिश नहीं की गई? सर, अमेंडमेंट करने की कोशिश की भी है तो इतनी अच्छे तरीके से नहीं की कि उसे इंक्लूड करा जाए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। सूरत में 2019 में एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी, तो उसके बाद दिल्ली में एक अमेंडमेंट आया जिसमें उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक अलग दर्जा नहीं दिया, उसमें उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिला दिया। अब ये उन्होंने किस वजह से करा या उन्होंने क्या सोचा था ये समझने से पहले, ये तो एमसीडी के कार्यकर्ता और कानून बनाने वाले ही जान सकते हैं। नहीं, फिर भी क्योंकि जैसा बताया आपने कि
हजारों लोगों के रोजी रोटी से जुड़ा मामला भी है और हजारों लोगों लाखों लोगों के सपनों से जुड़ा मामला है, जो बड़े बड़े अधिकारी बनने के लिए बनने का सपना पाले यहाँ आते हैं। क्या समाधान इसमें नज़र आ जाता है अब फौरी तौर पर, क्योंकि सीलिंग की कार्रवाई तो शुरू हो गई है और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें दहशत भी है, सबके अपने अपने कंसर्न भी हैं। तो अगर लॉ किसी ने नहीं बनाया, डिफाइन नहीं किया, तो उन बच्चों का क्या कसूर या जो काम कर रहे हैं उनका क्या कसूर, और अब इसका इलाज क्या है, क्या हो सकता है इसमें? सर सबसे पहले तो MCD आके ही सीधा ताला नहीं लगा सकती। MCD पहले आके इंस्पेक्शन करेगी, इंस्पेक्शन करने के बाद वो आपको एक शोकॉज नोटिस भेजेगी। सारे इंस्टीट्यूट्स को सबसे पहले जिसके पास शोकॉज नोटिस आ रहा है जल्दी से जल्दी उस शोकॉज नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए। उस शोकॉज नोटिस के रिप्लाई के ऊपर MCD डिसाइड करेगी कि उसे सील करे या डिमोलिश करे या कोई एक्शन ना ले। अगर आपका डिसीजन आ रहा है, अगर उसके बाद अगर आपको सीलिंग ऑर्डर आ गया है, तो आप सबसे पहले या तो MCD के अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाइए जो कि 30,000 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, या आप सीधा उसकी अपील हाई कोर्ट में डालिए। इस टाइम तो यही नज़रिया दिख रहा है कि हाई कोर्ट या MCD अपीलेट ट्रिब्यूनल ही इस सीलिंग ऑर्डर को रोक सकती है, अगर MCD ने सीलिंग ऑर्डर पास कर दिया तो। नहीं, ये तो क्योंकि अभी तो एक सिरे से ये माना गया, क्योंकि कोई सारे के सारे इलीगली हैं, तो ये नोटिस देना और ये देना ये तो अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या कोई स्टे लग सकता है इस पर, या MCD आकर के कह दे, या जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो आकर के कह दें कि हम इस पर कुछ पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं? सर इस पर स्टे लगना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आप ही एक्शन लिया है, अपने आप ही फायर डिपार्टमेंट और MCD से जवाब मांगा है कि क्यों कंप्लायंस नहीं थी। एंड उन्होंने हाईकोर्ट ने ये भी बोला है कि बताओ कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में, सिर्फ मुखर्जी नगर में नहीं पूरे दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो फायर रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो स्टेट और डायरेक्टली नहीं लगेगा, अब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक एक करके जिसके पास आए जा रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, तभी इसके बाद कोई नतीजा निकलेगा जब हाईकोर्ट देखेगी कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट नोटिस का वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं उसको वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर नोटिस आता भी है कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास, तो उसमें उसको के पास कहने के लिए है क्या? जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही अपने आप में हमें इंक्लूड नहीं करती। जैसे आपने एक आर्बिट्रेरी डेफिनेशन अगर बना दी है, तो अगर सरकार कोई भी कानून बना दे तो इसका मतलब ये नहीं होता वो कानून सही है। आपको इस कानून को किसी ना किसी इंसान को तो लेके जाके चैलेंज करना पड़ेगा। अगर चैलेंज नहीं करोगे तो तब तक वो वैसे ही चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाके बताना चाहिए कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ 20 लोग पढ़ रहे हैं, वो एक छोटे से 50 गज के मकान में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो दो साइड से एंट्री और एग्जिट दे सके। आप नए कानून बनाइए कि एक फायर एक्सटिंग्विशर हो, फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग कोनों में हो जिससे इजीली एक्सेसिबल हो, आपकी एंट्री के पास कुछ ना हो ताकि अगर एक फायर ब्रिगेड भी आ सके तो आ सके, पानी की सप्लाई ठीक ठाक हो, ऐसे कुछ नए कानून बनाने चाहिए। आप सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक कैटेगरी में ले सकते। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो पूरी पूरी बिल्डिंगों में ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक एक जो लोग अपने घरों के ग्राउंड फ्लोर पे चला रहे हैं, तो आपको हर किसी के हिसाब से अलग अलग देख के उनको वो करना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब हाईकोर्ट को इन लोगों का नज़रिया दिखेगा, जब ये लोग हाईकोर्ट जाएंगे, जब हाईकोर्ट देखेगी कि इन लोगों को कैसे तकलीफ हो रही है, हाईकोर्ट जब देखेगी कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिकों को नहीं, उनके जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं उनको भी तकलीफ हो रही है, तभी हाईकोर्ट देखेगी और तभी हाईकोर्ट कोई डायरेक्शन दे सकती है। ये कोई इंडिविजुअल मामला नहीं है, ये पॉलिसी का मामला है। हाँ जी, इसके लिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को साइमल्टेनियसली एक साथ जाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह का माहौल है वहाँ पर, वो तो एक मंच पे आ ही नहीं पा रहे, तो ऐसे में कितना मुश्किल है उनके लिए अपील करना। सर ये या तो इंडिविजुअल तो कोई जाएगा नहीं सर, इकट्ठे वो होंगे नहीं सर। इंडिविजुअल तो जैसे हमारे पास भी आए थे, इंडिविजुअल तो लोग जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है उसकी तो पूरी रोजी रोटी जा रही है, कोई अगर मालिक भी जा रहे हैं उसके बच्चे भी जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। और इससे ऐसे नहीं है जो नए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो 2000 से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते आ रहे हैं, जो नामी धामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो उनके पास भी अब आए हैं, तो वो भी जा रहे हैं, वो भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हफ्ते भर पहले से ही नोटिसेस बटने शुरू है, सब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हाईकोर्ट उनकी बात सुने, कैसे MCD उनकी बात सुने, अलग अलग तरीक़ों से उनको लेटर्स भेजे जा रहे हैं। अभी जैसे शोकॉज नोटिस आने शुरू हुए हैं तो सारे कोशिश कर रहे हैं कि एक बार सारे या तो मिलकर कुछ करें, जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सारे आपस में भी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या समाधान निकल सकता है इस चीज़ का। तो जब एक बार जब हाईकोर्ट जाया जाएगा तो हो सकता है कि हाईकोर्ट में एक PIL दर्ज हो जाए या सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज हो जाए, जिसकी वजह से ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो हाईकोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले ले।
इसमें इस पर भी कोई असर पड़ सकता है? जैसे वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, RW हैं, वो हैं, कुछ NGOs हैं, उनका ये कहना था कि उनको बड़ी समस्याएं हो रही हैं, उनके कंसर्न को भी देखेगी कोर्ट, और क्या ऐसे में कोई अमेंडमेंट की संभावना दिखती है क्या? सर, अमेंडमेंट की संभावना तो बिल्कुल है, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से तो आप दिल्ली में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको एक तरह से आप उनका राइट टू एजुकेशन छीन रहे हो। जब कुछ बच्चे जो बाहर से पढ़ने आए हैं उनका तो पूरा जो सपना है वही, ऐसी जगह चलाएं जहां पर नॉर्म्स फुलफिल कर सकें। ऐसी जगह क्यों चलें, ऐसी जगह इंस्टीट्यूट क्यों बनाएं जहां ये फॉलो ना कर सकें? दिल्ली इस तरीके से बनी है कि जहां पे अगर किसी को इंसान को छोटा इंस्टीट्यूट चलाना है, बड़े इंस्टीट्यूट की बात तो अलग है, अगर किसी को छोटा इंस्टीट्यूट चलाना है तो जिस तरीके के अभी के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग तो कहीं नहीं चला सकता। आप देखिए दिल्ली की गलियां इतनी छोटी हैं, अगर आप अब जो सबसे बड़े एरियाज़ हैं पढ़ने के, मुखर्जी नगर, लाजपत नगर, अगर आप इन पर जाएंगे तो देखेंगे गलियां इतनी छोटी हैं कि स्कूटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है जब इनमें भीड़ लगती है। तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों साइड से, अगर आप ये रूल बनाए कि दो साइड से एंट्री और एग्जिट हो, कि दो फायर ब्रिगेड आ सके, कुछ रूल्स में ही चेंज होगा तभी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा सकते हैं। एंड हाई कोर्ट भी इस चीज़ को देखेगी कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद ना हो, क्योंकि वो भी देश क्योंकि वो जानती है कि जो बच्चे हैं जो उधर पढ़ने आए हैं वही देश का भविष्य है। लेकिन कोर्ट ने ही तो आदेश करे हैं। कोर्ट ने आदेश एक नीजर्क रिएक्शन होता है, अभी पीछे इंसिडेंट्स हुआ इसलिए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सारे इंस्टीट्यूट्स की इंस्पेक्शन हो। ऐसे ही कुछ साल पहले जब किसी एक होटल में आग लगी थी दिल्ली में ही, तब सारे होटलों के पास एक शोकॉज नोटिस गया था कि सारे कि इनका कंप्लायंस है, इनको बंद करा जाए। तो एक नीजर्क रिएक्शन है जो कोर्ट चाहती है कि जितने रूल्स हैं उतने फॉलो हों। कोर्ट तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करवा सकती है जो अभी एग्जिस्टिंग है। अब ये काम तो सरकार का है और जो नियम बना रहे हैं उनका काम है देखना कि वो कुछ ऐसे नियम बनाए जिसकी वजह से सारे बच्चों का भविष्य सफर ना हो, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बंद ना हो, सिर्फ कुछ पर कुछ ऐसे मेजर्स ले सके जिससे ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। क्या सब कुछ बंद हो जाएंगे या कहीं कोई रिलीफ मिल जाएगी, किस तरह से? सर, उम्मीद तो यही है कि सारे इंस्टीट्यूट्स बंद नहीं होंगे जैसे एक एक करके, या सारे इकट्ठे भी अगर कोर्टों में जाते हैं तो कोर्ट उन्हें रिलीफ देगी, क्योंकि कोर्ट उनकी पीड़ा समझेगी कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट का सवाल नहीं, सबसे ज़्यादा जो बड़ा सवाल है वो यहाँ पे उन बच्चों का है जो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो कोर्ट देखेगी, कोर्ट बिल्कुल देखेगी, कोर्ट उसके बाद जितना मेरा अनुमान है कोर्ट ये बोलेगी कि सरकार इन पे कुछ नए रूल्स बनाए, कुछ मॉडिफिकेशन लाए जिसकी वजह से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चल पाए। और जो RW हैं वो इसको अपोज कर रही होंगी तो सब बात तो उनकी भी सुनी जाएगी ना? सर, बात तो सबकी सुनी जाएगी, कोर्ट की फिर कोर्ट देखेगी। कोर्ट बिल्कुल ही ये नहीं कर देगी कि जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उसको कंटिन्यू कर दिया जाए या सारे इंस्टीट्यूट्स को एक तरह से बंद कर दिया जाए। कोर्ट देखेगी, कोर्ट कोई बीच का तरीका निकालने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से आपके जो सबसे बड़ी बात है जो आपकी सेफ्टी मेंटेन्ड रहे यहाँ पे, कि आग ना लगे, कोई भी डैमेज ना हो, कि और उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले रहे ताकि बच्चे पढ़ते रहें, जो लोग बेरोज़गार ना हो। कोर्ट इनके बीच में कोई तरीका निकालने की सोचेगी जिसकी वजह से सभी लोगों को नुकसान ना हो। तो अब अंत में क्या आप उनको सुझाव देंगे कि उनको कुछ रेमेडी मिल सके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को तो मेरा सुझाव यही है कि अगर आप मिलकर के आप सबसे पहले तो जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आपके एरिया के, आप उनसे डिस्कस करें, अगर उनको अभी तक नोटिस आ चुका है MCD की तरफ से तो आप सारे मिलकर कोर्ट में जाएं, एक अपील उस ऑर्डर की अपील दर्ज करें एंड फिर कोर्ट आपको सुनेगी, कोर्ट ही इस फैसले का वो निकालेगी। चलिए, ये थे यश अग्रवाल, बताया कि किस तरह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको रेमेडी मिल सकती है, क्योंकि केवल ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही मामला नहीं है, देश भर के कोने कोने से युवा यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बनने का सपना लेकर के आते हैं, IAS बनने का सपना लेकर के आते हैं, और हजारों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा ये मामला भी है। और उस पर भी बड़ी बात कि अगर इस तरह के मामलों में अमेंडमेंट लगातार नहीं होती है, सरकार की नज़रें इन सब चीज़ों पर नहीं होती है, तमाम तरह की घटनाएँ होने के बावजूद भी, और जब कभी ऐसी कोई घटना होती है तब इन सब पर चिंता और चर्चा होती है, बहस छिड़ती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो कानून बनाने वाली एजेंसियाँ, जो सरकार हैं, क्यों इस ओर आँखें बंद करे रहती हैं? क्यों नहीं कानूनों में सुधार करके, कुछ संशोधन करके एक ऐसा स्थायी समाधान निकाला जाए जिसमें सब तरह का फ़ायदा हो, लोगों को दिक्कतें भी ना हो और इस तरह के खतरे भी ना हो। बहरहाल, इस कड़ी में इतना ही। हम मुखर्जी नगर के इलाके में भी जाएंगे और वहाँ की RWA और उस NGO को उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या क्या है और किस तरह से जो ये मुखर्जी नगर का एरिया है, जो इसकी पहचान है, वो पहचान भी बनी रहे और रोज़गार लोगों का वो भी बना रहे और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी समाधान हो सके।
राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।